चला मुस्कुरा दो। अपन चल रहे हैं सिंगल की फ्लीट में। अरे अरे बगल से निकलते हुए बहुत सुपर बड़ी बाइक, सुपर बाइक अपने साथ लूना। हर हर महादेव। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बाइक मिनिस्टर में। तो आज है तारीख 30 अक्टूबर और संडे का दिन है। सुबह के बज रहे हैं 6:30। अपन जो है चल दिए हैं अपनी नई राइड पे। तो आज बेसिकली मैं दो राइड्स करने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ अभी कहाँ राइड करूँगा। एक तो लोकल राइड है, जिस लोकल राइड का आप ये वीडियो देख रहे हो, और हो सकता है कि शायद थंबनेल से ही आपको इसका आइडिया लग गया होगा। ये जो राइड है सेव अर्थ राइड है, जो कि पैन इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इस राइड को अपन करेंगे, और इस राइड के बाद जो अगला वीडियो आपको मिलेगा वो आपको एक छोटा सा ही ट्रिप, लॉन्ग और शॉर्ट ट्रिप के बीच वाला जो ट्रिप है, मीडियम लेवल ट्रिप मैं करूँगा, उस राइड का आपको वीडियो मिलेगा। तो वो भी अपने करने वाले हैं। तो चलिए पहले पहुँचे अपने मीटअप पॉइंट पे। तो अभी फ़िलहाल सारे जो अपने क्लब के मेंबर्स हैं थ्रॉटल मास्टर्स के, वो सारे के सारे अभी पहुँचे हुए हैं गुरुधाम चौराहे पे। आज मीटअप अपना गुरुधाम पे है, बस पहुंच रहा हूँ, पहुंच करके सबसे मिलते हैं फटाक से। अब अपन ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं गुरुधाम चौराहा, और ये रहे अपने बाइकर्स। सेल लगी है क्या? कौन बुढ़ाऊ क्या हाल लगा लो? और भाई गुड्डी मॉर्निंग। एक साल तुम कब से लगा लिए हैं? कल रात में 11 बजे लगवा के आए भाई। और भाई सुबह आए तो कॉल नहीं किए, साथ में आते। और भाई गुड मॉर्निंग, भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑलवेज ऑन। हेलो, गुड मॉर्निंग भाई अंकित। गुड मॉर्निंग भाई अंकित। ये आपकी जान पहचान है? हाँ, अथर्व नहीं, यश आया कि नहीं? यश भाई कहाँ है? हाय भाई, गुड मॉर्निंग। पुत्र हाउ आर यू? हाय अंकित। तो आपको बताया था मैंने कि आ गया हूँ मीटअप लोकेशन पे। फिलहाल जो है बाइक्स की लाइनअप आप देखो, क्या मस्त लाइनअप बनी है। ब्रीफिंग चल रही है यहाँ पे, मेंबर्स की इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। आइए देखते हैं। सारे राइडर्स जो हैं गियर्ड अप हो रहे हैं, और अब अपन यहाँ से निकलेंगे सीधे राइड पर। तो चलते हैं फिलहाल अपने मीटअप पॉइंट BHU पे। तो अभी अपन यहाँ से निकलने वाले हैं, और सामने भीड़ देखी आप लोगों की, क्या मज़े में भीड़ खड़ी हो गई है। पब्लिक रिएक्शन तो बवाल मिल रहा है। और अभी तो हम लोग यहाँ 15 बाइकर हैं लगभग, अभी वहाँ आगे जाकर 100 बाइकर हो जाएंगे, तो पता नहीं क्या होगा। देखते हैं पहले कितने बाइकर्स आ रहे हैं इस राइड पर। बाहर खड़ा हूँ सब। यस, वो तो है। कहाँ लगाया जाए बाइक को? उधर सामने लगाया जाए क्या? सामने लगाते हैं सामने। अरे आने का क्या रास्ता है? ये भी लोग तो लगाए ही हैं।
कहाँ गया अभिनव भाई? अच्छा ऐसे ही लगाना है, चलो ऐसे ही लगाते हैं। तो अपन पहुंच गया अभी एचयू गेट और अभी अपना राइड यहाँ से शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। फिलहाल जो है बाइक की लाइनअप्स आपको दिखाते हैं, बाइक की लाइनअप्स एंजॉय करिए। How are you? भीड़ लगाया है बिना मतलब का, बिना मतलब की सब भीड़ लगाए हुए हैं। बिना मतलब नहीं भाई। अरे भाई दो दो टो कैसे मिल गया? दो दो टो है, दो दो टो। हेलो मुस्कुरा दो। अपना नाम बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? राजा। राजा नाम। तुम्हारा भाई राजा बनारसी राजा। राजा ये तुम्हारी बहन है? भाई है? भाई है। अच्छा भाई है। चलो हाय को बोल दो इसे। हाय भैया। चलो बाय। चाय पीते हैं। चीयर्स। 7 बजे से लेट होता है फिर राइड का माहौल खत्म होने लगता है। You are right. Right. You are right. सारे लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, अब राइड स्टार्ट होने वाला है अपना। ये बेसिकली सेव अर्थ राइड है जो कि पैन इंडिया आज हो रहा है और इस राइड में ऑल ओवर इंडिया हर एक शहर से कई सारे बाइकर्स जुड़ रहे हैं। मेरे को लगता है कि बनारस में ही आज खाली 100 बाइकर्स अपने इन टोटल हो चुके हैं। फिलहाल जो है राइड स्टार्ट करते हैं। वो एक है नीलेश इन द हाउस। हाँ हाँ उसका तो चालू ही नहीं हो रहा है उसका। अरे पता नहीं क्या हो गया, अचानक तो बंद हो गया। रात में बोल रहा था चल रहा था, अभी जो है कि बंद हो गया। अब सब लोग यहाँ से निकलेंगे भाई साहब। हो गए सब लोग रेडी फिलहाल जो पता नहीं, देखो DLW होते हुए सब जाएंगे लग रहा है। अभी अपने साथ चल रहे हैं बाबा मधोक मीटियोर से। हार्ले डेविडसन का टी शर्ट पहन कर आए हैं आज। हार्ले डेविडसन लाए नहीं, बस इस चीज़ की कमी छोड़ दी है। खैर दूर से ही हार्ले का दर्शन करा दे रहे हैं। अभी अपन चल रहे हैं सिंगल की फ्लीट में। अरे अरे बगल से निकलते हुए बहुत सुपर बड़ी बाइक, सुपर बाइक अपने साथ लूना मोपेड TVS की। अभी अपन यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है और सामने है श्री शिवाय रेस्टोरेंट, वहाँ पर आप देख सकते हो बैनर लगा है श्री शिवाय वेलकम सेव अर्थ राइडर्स। तो हम लोग शायद यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए भी रुकेंगे। फिलहाल
तो बाइक को पार्क कर देते हैं साइड में। अपने क्लब के सारे मेंबर्स भाई डिसिप्लिन्ड वे में कर रहे हैं। बहुत सारे राइडर ऐसे हैं जिनको इशारा भी किया जा रहा है तो वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब ग्रुप में राइड कर रहे हो तो आपको एक फ्लीट बना के चलनी है, एक डिसिप्लिन में चलना चाहिए, क्योंकि आप अपने सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अपने क्लब के लोग बहुत डिसिप्लिन तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, नो डाउट। और भी बहुत सारे अच्छे राइडर्स हैं, बट कुछ लोगों के कारण जो है बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। रुके हैं शिवाय के बाहर और अपने को रिफ्रेशमेंट मिला है। रिफ्रेशमेंट सब मजा नहीं है, पीने को ही मिला है, खाने का कुछ नहीं मिला। खाने का मैं खाने के लिए धूप और हवा है। अपन जो है यहाँ शिवाय होटल से निकल गए हैं और अब अपन बढ़ रहे हैं आगे। अरे रितेश जी को देखो कैसे छपरी मशीन चला रहे हैं। तो अपने सामने चल रही है निंजा 1000 कावासाकी। भाई एकदम मस्त गियर्ड अप है, V6 इंटरकॉम लगाए हुए हैं। क्या साउंड है भाई साहब। अब बगल में हार्ले 750। तो अपन आ गए हैं ओम विलास बनारस और देखिए राइडर सारे अंदर जाते हुए। बाइकर्स अपने काफ़ी सारे हैं। कैसे लगेंगी सारी बाइक्स गुरु, चलो जैसे भी लगे। अपने को तो बाहर के साइड लगाना है ताकि भाई अपन निकल सकें, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको एक अगला वीडियो मिलने वाला है जिसमें अपन एक दूसरे राइड पर जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था इस वीडियो की शुरुआत में। गलत बात सब साथ में है भाई। छुपा लीजिए भैया, वो आ जाएगा। तो अपन जो है अभी थोड़ा तफरी मार रहे हैं, फोटो तो खिंचाते हैं, फोटो खिंचा रहे हैं भाई, फोटो ही खिंचा रहे हैं। और बाइकर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग जरा अगर ब्रेकफास्ट खत्म हो गया तो इधर आ जाएं। तो फर्स्ट सबका मैं वेलकम करता हूं सारे गेस्ट का, कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम, ये सेव यत के प्रोग्राम के तहत जो किया जा रहा है, और पहली बार इनके द्वारा हमारा वाराणसी में एक अच्छा कार्यक्रम कराया है, और जिसमें हमारा CRPF का कमांडेंट और उनका टीम भी इनका सहयोग दिया। ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आने वाले दिनों में भी, अगले साल भी आपके द्वारा ये कार्यक्रम होते रहें। और आप देखें 100 करोड़ का मकान भी बने, उसके सामने 100 रुपये का पेड ना हो, वो घर में मज़ा नहीं आए, आप सब लोग जानते हैं। हम यर्थ को कितने सेव करते हैं वो तो दूसरी बात हो गई, वो तो रिमोट बात है, मगर अपना घर को कितने सेव करते हैं वो हमारा घर की बात हो गई। तो घर के सामने जब तक पेड़ ना हो उस घर नहीं बुलाया जाएगा। तो इसी प्रकार हम सब लोगों ने जाने अनजाने और किसी तरीके से हम लोग आजकल जो है खूबसूरती के लिए छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, मगर छोटे पौधों के साथ साथ भी एक बड़े पेड़ का ज़रूरत है, जिसमें आपका छाया मिल जाए और जिसके साथ आपका जो है रोशनी में आप बाकी हरियाली हो जाए, पूरा पर्यावरण का भी ध्यान रखी जाए। ये तो अच्छे कार्यक्रम है। हम लोग भी जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 लाख पौधे लगाने का इस बार कार्यक्रम कराया था, जो बरसात के दिनों में हम सभी विभागों ने मिल के काफ़ी पौधे लगाए, और ये तो किसी व्यक्ति का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी सरकार का प्रायोजित ना होकर
हर व्यक्ति अपने से कुछ पौधे लगाए और माननीय प्रधानमंत्री महोदय। तो आज अपना जो सेव अर्थ राइड है वो यहाँ पर फाइनली हम लोग मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने अगले राइड पे जाना है जैसे कि मैंने बताया था। वो कौन सा राइड है वो भी आपको बताऊँगा। फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है भाई लोग के साथ, अब भाई लोग आगे वापस अपना राइड करते हुए जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने राइड पे। तो इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये सेव अर्थ राइड अच्छा लगा होगा, और सेव अर्थ का एक बहुत बढ़िया मैसेज है, अपने अर्थ के लिए सोचिए, पेड़ लगाइए। पौधे तो छोटे छोटे बहुत सारे लगाते हैं, एक आध पेड़ भी लगाइए जो कि छांव दे सके आपको। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।